हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप्सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी हूँ, मेरा काम हो गया है। और आज ना आप आवाज़ देख के लगा सकते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। मे बी आज मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ, इसकी आधा क्लिप बची है तो वही मैं आज वाली वीडियो में ऐड करूँगी। और ये देखिए, नेगी जी रात को लेट आए थे तो मैंने आपको बताया था, वो घेवर लाने की बोल रहे थे। तो ये 1 kg की आई थिंक करीब घेवर ला रखा है। और आजकल ना रक्षाबंधन में आपको पता ही होगा, घेवर हर घर में आता है। तो हम जब छोटी थी ना, मैं मेरे पापा राजस्थान रहते थे, तो घेवर, फेणी और जो रसगुल्ले होते ना स्पॉन्ज वाले, वो लेके आते थे और बहुत पसंद थे मुझे। और जो बचपन का स्वाद रहता है ना, वो आज भी अच्छा लगता है, चाहे कितनी अच्छी चीज़ आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और नए दिन की शुरुआत हो गई है। नेगी जी चले गए हैं ड्यूटी, ऋषि स्कूल चला गया है। और आज एकदम चटाके की धूप आई है, इतनी ज़्यादा चटाके की कि क्या कहना। और मैं ना नहा गई हूँ, काम मेरा हो गया है और नाश्ता करने जा रही थी मैं। नाश्ता रखा है मैंने, बस अब करूँगी। तो आज मेरी तबीयत ठीक है और नहा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही। जब नहाओ ना तो थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। और आज तो धूप भी इतनी तेज़ है कि एकदम चुभने वाली नहीं होती आंखों में धूप, वो वाली धूप आ रखी है आज। यहाँ तो बारिश ही नहीं आ रही है अच्छे से, मतलब पूरे वो सावन में यहाँ अच्छे से बारिश नहीं आई। बस आई भी है तो बहुत तेज़ जो आती है ना, एकदम मोटी मोटी बूंदों से तेज़ तेज़ बारिश आई है और फिर थोड़ी देर में ही बंद हो गई है। तो वो बारिश ना ठंडा नहीं करती है, एकदम वो बारीक वाली बारिश पूरे दिन लगी रहे ना धीरे धीरे धीरे, वो वाली अच्छी होती है। वो मौसम थोड़ा ठंडा भी करती है। तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा सारा काम हो गया है, क्लिनिक वगैरह का काम हो गया है। और अब मैं पहले नाश्ता करूँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, मतलब थोड़ा बहुत तो क्लीन कर रहा है मैंने। मैं क्या है, मेरी आदत है कि मैं खाना बनाते बनाते ही किचन भी क्लीन करती जाती हूँ, लेकिन जो बर्तन वगैरह निकलेंगे उसको धो के उसके बाद अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर करूँगी एडिटिंग। तो बहुत सारा काम है, आप बने रहे वीडियो में और देखते रहे कि आज पूरे दिन में क्या क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और ये रात को ना हमने घेवर आधा, एक तो पूरा आया था, एक आधा आया था, तो आधा वाला हमने खा लिया था। ये पूरा वाला, इसमें से थोड़ा सा इतना मैंने रेसी को दिया, ये 2 पीस जितने हैं उतने ही पीस मैंने 2 रेसी को दिए, मतलब एक ही दिया मतलब 2 के बराबर दिया लेकिन एक ही दिया, बोलने में गड़बड़ हो रही है। तो मैंने सोचा अभी ये खा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को घेवर पसंद है तो आप लोग भी खा लीजिए। वैसे हमारे यहाँ रक्षाबंधन में आता है, लेकिन नेगी जी ने बोला रक्षाबंधन में फिर दोबारा ले आऊँगा, तो इसलिए आप लोग खा लीजिए इसको, ये बोल रहे थे, तो आप लोग भी खा लीजिए। और इधर देखिए, सुबह मैंने ना दूध देती हूँ मैं सबको, तो इसमें दूध थोड़ा सा बचा था, तो मेरे से दूध नहीं पिया जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पत्ती डाल के चाय जैसे बना रही हूँ अपने लिए। देखिए फ्रेंड्स, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन चाय पीना ज़रूरी है, चाय नहीं छूटती है, तो आप लोग खा लीजिए ये, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद फिर अपना ये फ्रॉक वाला पहना है, गाउन टाइप फ्रॉक जो भी है, मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैंने आज यही पहन दिया। तो चलिए मैं चाय वगैरह पीती हूँ। और आज हमारे यहाँ है संक्रांति, आज से सावन ख़त्म हो जाता है और दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो 16 तारीख, इसीलिए मैं परसों आप लोगों को बोल रही थी कि हमारा ये लास्ट सावन है, हमारा लास्ट सावन हो गया। तो आज हमारा जो सावन का महीना था वो भी समाप्त हो गया, आज 16 तारीख संक्रांति है। तो इस संक्रांति के दिन घी खाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पहाड़ियों में, ये आज घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। बोलते हैं कि जो घी नहीं खाता है वो एक मोटा सा वाला कीड़ा रहता है ना, जो ऊपर अपने पीठ में ऐसे गोल गोल लेके चलता है, वो बन जाते हैं बोलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई वो तो पता नहीं, लेकिन घी ज़रूर खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दिन में क्या बनाऊँ, तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी और उसमें घी डाल के खा लेंगे। और घी तो वैसे भी आजकल कौन नहीं खाता होगा, सबके घर में रोज़ ही घी खाया जाता है, लेकिन पहले ज़माने में घी में स्पेशल कुछ बनता होगा आज के दिन संक्रांति के दिन, तो इसलिए इसको घी संक्रांति बोला जाता है हमारे यहाँ। तो आजकल तो रोटी में घी खा रहे लोग, सब्जी में घी खा रहे, दाल में घी खा रहे, सब घी से ही मॉर्निंग हो रही है, घी से ही नाइट हो रही है। बट आज बोला छोड़ना नहीं चाहिए, घी जरूर खाना चाहिए।
तो चलिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी, तो आराम से बना दूंगी। काली दाल मैंने भिगो के रख दी है, काली दाल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। और उसमें काली दाल की खिचड़ी में तो घी पड़ता ही पड़ता है। तो देखिए आपको बात करते करते मेरी ना चाय भी उबल गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं खाना बनाने लगी थी दिन का, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ आज घी संक्रांत है, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और आज मेरी थोड़ी कम तबीयत ख़राब थी, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन कसम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरे चैनल पर डेली वीडियो जाए, गैप ना हो। तो फ्रेंड्स आप मेरी इस मेहनत को आप भी सपोर्ट करिएगा। और मैंने ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ना लाइक नहीं करते, और मुझे पता भी चल जाता है, मतलब कि अपने ही है वो। और अगर नेक्स्ट टाइम मैं फिर से उनको नोटिस करूँगी तो मैं ज़रूर नाम बताऊँगी आप लोगों को। जब मैं कर लेती हूँ तो आपको करने में क्या ही दिक्कत आ रही, मुझे समझ नहीं आता है। इतने बड़े बड़े कमेंट करते हो लेकिन एक लाइक नहीं करते हो। कमेंट करने में टाइम लगता है लेकिन लाइक करने में नहीं लगता है। तो देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, बोलते हैं कि दीदी हम आपकी लाइफ से ऐसे कनेक्ट हो रखे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप हमारे साथ और हम आपके साथ रोज़ डेली की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ वीडियो से कनेक्ट हैं। तो उन लोगों को दिल से थैंक यू। तो दुनिया में ना हर तरह के इंसान होते हैं, अब क्या ही बोलूँ मैं। और ये लोग ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये लोग मेरे अपने हैं जिनका मुझे पता चला कि ये लाइक नहीं करते हैं। उत्तराखंड से ही है एक, तो और एक या दो तीन जो मैंने नोटिस किए उत्तराखंड से ही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे काली दाल की खिचड़ी बना दी, और यहाँ पे घी में मैंने ना दाल को और चावल को रोस्ट किया है, और उसके बाद सारे मसाले डाल के इसमें पानी डाल के सीटी लगा दी। बस ये प्लेन सी खिचड़ी बनती है और टेस्टी लगती है। और दिन मैं इसमें काली दाल पीस के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने भिगा के डाली थी तो थोड़ी सी हार्ड भी थी, क्योंकि मेरी आज भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो आज थोड़ा सा मेरी कुछ और तबीयत ख़राब थी, और रात को तो मेरे को फीवर, जुखाम, बदन दर्द सब कुछ हो गया था। तो बस यही है लाइफ का, कभी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए ना। अभी हम ठीक रहते तो सोचते हैं सब अच्छा है, और अगले ही पल देखिए कैसी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप देखिए ये अच्छे से भुन गया, टमाटर प्याज भी मैंने इसमें डाला है, और अब इसमें पानी डाल के बस सीटी लगानी बाकी है। तो मैं इसको छोड़ दूंगी 2 से 3 सीटी लगने के लिए, और बस आराम कर लूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में आजकल। वैसे तो मौसम अच्छा है लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताएं। इससे अच्छा तो नॉर्मल गर्मी ज़्यादा अच्छी रहती है, जो वैसी सूखी वाली गर्मी रहती है ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है चिपचिपी गर्मी से। इसमें ना मेरे को तो सांस की भी प्रॉब्लम होती है, और कल रात तो सच्ची बता रही हूँ मेरे को सांस भी नहीं मिल रही थी, पूरी रात मैंने बैठ के गुजारी है, इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी। तो फ्रेंड्स किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैंने आज की स्पेशल खिचड़ी बनाने रख दी है। और बस खिचड़ी में 2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि मोटी दाल है तो थोड़ा सा भी मतलब बनने में टाइम लगता है। तो और दिन मैं जब भी ये काली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसको मिक्सी में चला देती हूँ मोटा मोटा सा, तब अच्छी बनती है। लेकिन आज मैंने ऐसे ही बना दिए जल्दबाजी में, वैसे भिगो के रखी थी मैंने सुबह से, तो देखती हूँ कैसे बनती है। तो उसमें 2-3 सीटी लगानी पड़ेगी, और अब मैं आराम से पंखे के नीचे बैठती हूँ। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ है धूप, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि क्या बताएं, पता नहीं बच्चे कैसे आएंगे स्कूल से। और मम्मी का कॉल भी आ रखा था, मैंने उठा नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं बना रही थी खाना। तो चलिए अब मैं मम्मी से भी बात करती हूँ और थोड़ा पंखे में रिलैक्स करती हूँ। किचन में खाना बनाना तो बहुत बड़ा टास्क हो रहा है आजकल, 2 चीज़ें बहुत गंदी होती है, एक प्रेस करना, एक
किचन में खाना बनाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाली, चिपचिपी वाली। वैसे गर्मी हो तो बात अलग है ना, लेकिन ये वाली गर्मी बहुत गंदी लगती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की सूखी खिचड़ी बनती है, ये इस तरह की टाइट सी और बहुत टेस्टी लगती है। इसमें ऊपर से घी डालते हैं, वैसे तो मैंने रोस्ट भी इसको घी में ही किया है और आजकल का घी तो मेल्ट रहता है। और ये हमने ना थोड़ा थोड़ा खाया था, मैंने बताया हमारे घर में कोई नहीं खाता खिचड़ी, तो बस मैंने ही खाया था और रेसी ने 4-5 चम्मच खाए थे और सारा छोड़ दिया था, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। होती बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट क्या करें, बच्चे ना जो उनको वो ठान लेते हैं कि हमें नहीं खाना है तो उनको नहीं खाना। तो मैंने तो अचार और प्याज के साथ खा लिया था, और मेरे ना खाने में ऐसे कोई नखरे नहीं रहते, बचपन से ही मैं सब खा लेती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, उनको तो अपनी पसंद की चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है ना 6:00, 6:05 हो रहे हैं, और मुझे ना बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, पता नहीं क्यों। सुबह ना जब मैं उठी थी तो हम मेरे कमरे में ना एक बोतल रखी थी पानी की, जो कि ठंडी थी, और मैंने उसमें से एक सिप पी, और मैंने निकी जी को बोला ये तो ठंडा पानी है, तो बोला हाँ थोड़ा सा ना मिक्स किया था, मैंने अच्छे से नहीं किया शायद, बस एक घूट पिया मैंने, उससे ही मुझे जुकाम हो गया, और जुकाम की वजह से सर दर्द भी हो रहा है। तो बताओ कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया, तो मैं कभी ठीक ही नहीं रहती। तो मैंने ना अभी 6:00 का टाइम हो रहा है, तो मैंने चाय बनाई थी ना, जब चाय और दूध बनाया था ऋषि के लिए, तो तभी मैंने गहत की दाल होती है एक पहाड़ी दाल, वो बॉईल कर दी थी, तो उसके पराठे यानी उसकी रोटियां बनाऊंगी मैं, भरवा रोटी, तो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद पीसती हूँ और तभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्लिप काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इस क्लिप को मैं यहाँ पे कट करके नेक्स्ट डे ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैंने बनाए थे गहत की रोटी, जो पहाड़ से होंगे उनको तो पता होगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल, बाय, जय माता।